सो गाइस जानिए क्यों पड़ी आखिर पुलिस गब्बर डीजे के पीछे। गाइस यार सारा कुछ राज इस वीडियो के अंदर खुलने वाला है, तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस यार गब्बर डीजे किसी पार्टी या फिर मतलब शादी में से आ रहा था, तब रास्ते में पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों ने डीजे को रुकवाने की कोशिश की चालान फाड़ने के लिए, के चक्कर में गब्बर भाई ने सोचा कि भाई चालान फट जाएगा, इसलिए गब्बर भाई ने गाड़ी ना रोकने के चक्कर में पुलिस वाले पड़े गब्बर भाई के पीछे। सो गाइस यार अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। सो गाइस देख लीजिए गब्बर भाई की डीजे के पीछे कैसे पड़ी हुई है पुलिस। भाई दो दो गाड़ियां लगी है और गब्बर भाई चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं पुलिस वालों से गांव गांव में। भाई ये देखो ये रहा गब्बर भाई की पिकअप। और भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गब्बर भाई को पकड़ लिया है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, गब्बर भाई को नहीं पकड़ा है, गब्बर भाई की पिकअप हाथ नहीं लगी है पुलिस वालों के। भाई दो दो पुलिस वाले लगे हैं, दो दो पिकअप लगी है पुलिस वालों की। गाइस इस जगह पे तो भारी चकमा दे दिया गब्बर भाई ने। भाई यहाँ पर तो पुलिस वालों ने उन्हें घेर ही लिया था, लेकिन गब्बर भाई की किस्मत अच्छी थी जो कि वो डीजे को वापस से पलटा के और ले निकले। भाई दो पिकअप होने के कारण भी पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ पा रहे। और भाई गब्बर भाई पिकअप तो ऐसी चलाते ना कि कोई उनके बराबर कोई पिकअप चला ही नहीं सकता। भाई बहुत बाद डीजे पलटी खाते खाते बच चुका है। तो भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सारा न्यूज़ आपको इस वीडियो में मिल चुका है कैसे कुछ गब्बर भाई के पीछे पुलिस लगी हुई है।